कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीहोर जिले में कई जगह अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। कमल पटेल ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब किसानों की सरकार है, इसलिए किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री कमल पटेल इस समय अलग अलग जगह जाकर किसानों से मिल रहे हैं और ज्यादा बारिश के कारण खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के मसीहा हैं। एक एक किसान का सर्वे होगा और फसल बीमा दिलाने के साथ अन्य मदद भी की जाएगी। फसल खराब हो रही है, उसकी बीमा कंपनी से हम पूर्ति करा सकेंगे ताकि किसान को घाटा ना उठाना पड़े, कर्ज में ना डूबना पड़े। ये सरकार किसानों की है, शिवराज सिंह जी चौहान किसानों के मसीहा हैं और हम किसानों के लिए, किसी ने मांग नहीं की उसके पहले किसान खेत में नहीं गया, उसके पहले कृषि मंत्री खेत में गया किसानों। हम किसानों की पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे। 18 का बीमा कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे नहीं दिया। 19 का बीमा अभी तक किस्त जमा नहीं की, लेकिन शिवराज जी ने आते से ही 2200 करोड़ जमा करके 2100 करोड़ 3100 करोड़ किसानों के खातों में डाले हैं बीमा का। 19 का बीमा भी एक महीने के अंदर मिल जाएगा, मिलना था 6000 करोड़, लेकिन फिर कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया। जो स्केल ऑफ फाइनेंस 100% था उसको 75% किया और 75% रिस्क होने के कारण जो 6000 करोड़ बीमा मिल जाता वहाँ 4500 करोड़ मिलेगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।